और थाना सुराव क्षेत्र में 1/2 की रात में एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हुई थी तथा उसमें एक महिला जो उनकी पत्नी थी वो घायल थी, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और इसमें हमारी कई टीमें इस घटना के अनावरण में लगी थी और सभी पहलुओं पर इसमें छानबीन चल रही थी। इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में शामिल एक अभियुक्त जिसका नाम लवकुश है, वो जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से अलाकतल और जो चोरी गई सामग्री है इसमें नगद और आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इससे पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटना में दो अन्य लोग भी शामिल रहे हैं, जिनके नाम इन्होंने बताया जिनका नाम ज्ञानचंद और उमेश उर्फ मोटा, ये दोनों लोग भी जो हैं जनपद कौशाम्बी के रहने वाले हैं। इन तीन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के पहले इन्होंने एक और घर जो मृतक परिवार से ही संबंधित था, उस घर जो खाली था वहाँ भी इन्होंने खंगाला और उसको खंगालने के बाद इस घर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जो सीक्वेंस पकड़े गए अपराधी ने बताया कि सबसे पहले ये जो मृतक थे उनके कमरे में गया, वहाँ बक्सा उठाया और वहाँ चोरी करते समय जो घर के ओनर थे वो उठ गए और उसमें इनसे संघर्ष हुआ और इन्होंने जो संघर्ष किया उस पर अपराधी ने उन पर वार किया जिससे चोटिल हुए। उसके बाद इन्होंने पूरे घर में जो लूटपाट की घटना होती है उसको अंजाम दिया और वहाँ से ये फरार हो गए। टेक्निकल सर्वेलांस तथा अदर एविडेंसेस जो पूर्व की घटनाएं भी हुई थी उनसे तार से तार जोड़ते हुए टेक्निकल सर्वेलांस, सीसीटीवी कैमरे और तमाम अन्य मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें पूर्व में भी 3 जून को एक हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई थी थाना सुराव क्षेत्र में, उसमें मोबाइल फ़ोन भी गया था, उस मोबाइल फ़ोन की भी बरामदगी हुई जिसको मोनू पासी नाम का अपराधी चला रहा था, वो भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ से इस घटना के बारे में क्लू मिला, उसी क्लू पे पुलिस टीम आगे बढ़ी और इस घटना का अनावरण हुआ।